मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की यह प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं इस चुनावों को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ लोगों ने निरस्त कर दिया। यही तो देश की ताकत है।